तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको रीनेम ट्रिक 2.0 बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे रीनेम ट्रिक 2.0 को किस तरीके से किसी भी शोमे के डिवाइस में इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं Redmi Note 10 5G डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, 13.0.8.0 यूरोप स्टेबल अपडेट, जो कि मुझे मार्च सिक्योरिटी पैच के साथ देखने के लिए मिलता है। तो अब बात करते हैं कि हमें रीनेम ट्रिक को किस तरीके से यूज़ करना है, यानी कि रीनेम ट्रिक 2.0 को। तो आपको सिंपली सबसे पहले अपने सेटिंग्स में, अपने अबाउट फोन में चले जाना है। तो आपको यहाँ पे एक रोम देखने के लिए मिलेगी, यानी कि आपके डिवाइस में जो भी MIUI वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, जैसे कि मेरे में 13.0.8.0 यूरोप स्टेबल इंस्टॉल्ड है। तो आपको सिंपली 13.0.8.0 की रिकवरी रोम को डाउनलोड कर लेना है, जैसा कि मैंने डाउनलोड कर लिया है। आपके डिवाइस में MIUI वर्जन चेंज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। और इसी के साथ आपको दूसरी रोम वो वाली डाउनलोड करनी है जो कि आपको यहाँ पे फ्लैश करनी है, जैसा कि मैं यहाँ पे 13.0.8.0 से MIUI 14 को फ्लैश आप सभी को यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैंने MIUI 13.0.8.0 यूरोप स्टेबल और 14.0.1.0 यूरोप स्टेबल दोनों को डाउनलोड कर लिया है। तो इसके बाद आपको सिंपली उस वाली रोम का फाइल का नाम आपको यहाँ से ए यहाँ पे डाल देना है, जो कि आपके डिवाइस में यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड है, यानी कि आपके डिवाइस में जो रोम इंस्टॉल्ड है। तो आपको सिंपली इस वाली रोम का नाम ए सेट कर देना है और आपको दूसरी वाली रोम का नाम यहाँ से बी सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से दोनों फाइल्स को रीनेम करने के बाद आपको यहाँ पे a.zip और आपको यहाँ से b.zip दोनों देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आना है, MIUI के लोगो पे सेवरल टाइम्स आपको यहाँ से टैप करना है, आपके एडिशनल अपडेट फीचर्स ऑन हो जाएंगे। फिर आपको सिंपली चूज अपडेट पैकेज में आ जाना है, और चूज अपडेट पैकेज में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ से a.zip फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। और a.zip फाइल को सेलेक्ट करते करते आपको यहाँ से अपनी फाइल्स का नाम a को आपको यहाँ से c.zip कर देना है, और आपको सिंपली अपनी b.zip फाइल का नाम यहाँ से a.zip में चेंज कर देना है। और इसके बाद आपको सिंपली वापस से अपना अपडेटर सेक्शन ओपन करना है, और अपडेटर सेक्शन ओपन करने के बाद आपका ये रिट्रीविंग इन्फो यहाँ से लेता रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो फटाफट से आपने यहाँ से रीनेम कर दिया है, और रीनेम करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सिंपली एक बार यहाँ से अपडेट पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आपका डिवाइस यहाँ पे रीबूट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका ये MIUI वर्जन आपका सिंपली अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद आपको सबसे एंड में यहाँ पे रीबूट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं आपको पूरा ऑप्शन यहाँ पे एक बार दिखाने वाला हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अभी तक इसकी अपडेटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो आपकी अपडेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको कोई भी एरर यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सिंपली थोड़ा सा वेट करते हैं कि इसकी अपडेटिंग कब तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आपको सिंपली रीबूट नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। और रीबूट नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या यहाँ पे MIUI 13 ही बूट होता है, या फिर यहाँ पे हमारा MIUI 14 बूट हो जाएगा। तो यहाँ पे MIUI 13.0.8.0 से MIUI 14 मैं यहाँ पे रीनेम ट्रिक के थ्रू अपडेट करने वाला हूं, और यहां पे ऑलमोस्ट अपडेट बस हो ही चुका है, फाइनलाइजिंग सिंकिंग अपडेटेड सब कुछ हो चुका है।
तो आपको सिंपली रिबूट नो पे क्लिक करने के बाद आपको रेडमी का लोगो इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आपने कोई एक नॉर्मल अपडेट यहाँ से इंस्टॉल किया है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं रेडमी का लोगो आ चुका है, यानी कि मुझे यहाँ पे कोई भी एरर इस वाली अपडेट में अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। तो अब आपका यहाँ पे क्या गैस है कि यहाँ पे फ़ोन बूट होगा या फिर यहाँ पे फ़ोन डेड हो जाएगा, कमेंट में बताना मत भूलना वीडियो को आगे देखने से पहले। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अब बस फ़ोन बूट होने ही वाला है, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस अब हमारा अपडेटर सेक्शन में ही हो जाता है। सब कुछ अपडेट, सिंकिंग, फाइनलाइजिंग सब कुछ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्टीशंस कुछ डिवाइसेस में डिफरेंट MIUI 12.5 से दिए गए हैं, जो कि डिवाइसेस MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स थे। तो यहाँ पे बस हमारा MIUI 14 अपडेट होने वाला है Redmi Note 10 5G डिवाइस में, और इसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस एक बार दोबारा से यहाँ पे बता दूंगा कि सेटिंग्स में अबाउट फोन में जाने के बाद आपको क्या क्या करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI का लोगो भी सक्सेसफुली आ चुका है, तो इसका मतलब अब बस फ़ोन यहाँ पे बूट हो चुका है। और इसके बाद मैं आपको सेटिंग्स में अबाउट फोन में जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या यहाँ पे MIUI 13 ही है या फिर MIUI 14। और एक और सबसे बड़ी बात, आप इस ट्रिक को इंस्टॉल करते समय आपका मोबाइल यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे फ़ोन सक्सेसफुली बूट अप हो चुका है, और इसी के साथ यहाँ पे मुझे MIUI 14 का वॉलपेपर देखने के लिए मिल चुका है, जो कि हमें यहाँ पे हिंट देता है कि MIUI 14 एंड्रॉयड 13 सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। और यहाँ पे इसी के साथ फिनिशिंग सिस्टम अपडेट का भी नोटिफिकेशन यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। तो सिंपली अब आपको अपनी होम स्क्रीन में जाना है। होम स्क्रीन में जाते समय आपको यहाँ पे MIUI 14 का एक और न्यू वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आप जब यहाँ पे अपना अबाउट फोन देखेंगे तो देख सकते हैं 14.0.1, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ देखने के लिए मिल जाती है। 14.0.1.0 एंड्रॉयड 13 हमने यहाँ पे रीनेम ट्रिक के थ्रू सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, और आप भी इसको किसी भी Xiaomi के डिवाइस में ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली एंड्रॉयड 13 हमारे डिवाइस में सक्सेसफुली रीनेम ट्रिक 2.2 की वजह से इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप यहाँ पे MI पायलट टेस्टर नहीं है तब भी आप यहाँ पे किसी भी रोम को बाईपास कर सकते हैं रीनेम ट्रिक 2.2 के थ्रू। तो मुझे कमेंट बताना मत भूलना कि आपको ये वाली ट्रिक आखिर कैसी लगी, क्योंकि यहाँ पे MIUI 14 फाइनली रिलीज़ हो चुका है, और इसी के साथ Redmi Note 10 5G में मैं इसको रीनेम ट्रिक 2.0 के थ्रू इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि आपको अगर आपने एक भी स्टेप यहाँ पे मिस कर दिया तो आपका मोबाइल यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। तो सिंपली टेक केयर, एंड इसी तरीके से आप रीनेम ट्रिक 2.0 किसी भी Xiaomi के डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं जिनका कोड नेम यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम हो। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन करके जानना। तो